गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मंगलवार को गोरखपुर जिला शतरंज संघ ने एक प्रेस वार्ता किया। गोरखपुर जिला शतरंज संघ के सचिव बीपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन से संबद्ध गोरखपुर जिला शतरंज संघ द्वारा 3 दिवसीय मुनिलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक हैप्पी मैरिज हाउस में किया जाएगा। शतरंज प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग अंडर 11, अंडर 17 और सीनियर वर्ग में शतरंज खेला जाएगा। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 30,000 रुपये रखी गई है। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी को स्टेट लेवल पर होने वाले इस प्रतियोगिता में गोरखपुर की ओर से प्रतिनिधि खिलाड़ी के रूप में शामिल करने का अवसर दिया जाएगा। इस मौके पर गोरखपुर जिला शतरंज संघ के सचिव पीपी सिंह एवं मुनिलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता के सदस्य अक्षत जैन सहित संघ के सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर नी से बात करते हुए मुनिलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता के सदस्य अक्षत जैन एवं गोरखपुर जिला शतरंज संघ के सचिव पीबी सिंह ने कहा, अक्षत जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संबंध गोरखपुर जिला शतरंज संघ के आयोजन में आगामी 29 सितंबर से अक्टूबर तक 3 दिवसीय मुनिलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हैप्पी मैरिज हाउस निकट नसीराबाद में किया जाएगा। प्रतियोगिता 3 आयु वर्ग अंडर 11, अंडर 17 और सीनियर वर्ग में खेली जाएगी। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 30,000 रुपये रखी गई है। मेरे पूज्य पर पितामह स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल जैन जी की स्मृति में ये हो रही है। यह प्रतियोगिता बीते कई वर्षों में सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। पहली बार यह प्रतियोगिता यूपी स्टेट अंडर 19 से 1995 में हुई थी। तब से यह प्रतियोगिता मेरे बाबा जी श्री पुष्पधन जैन जी के संरक्षण में नियमित हो रही है। मेरा नाम पीबी सिंह है। मैं गोरखपुर जिला शतरंज संघ का सचिव। ये टूर्नामेंट 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हैप्पी मैरिज हाउस नसीराबाद गोरखपुर में खेला जाएगा। इसमें जनपद के जो भी चेस प्लेयर्स हैं वो सारे खेल सकते हैं। और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने अंडर 11 और जो वह किशोर आयु के जो हैं अंडर 17 दो आयु वर्ग हमने अतिरिक्त रखे हैं और सीनियर वर्ग भी है, यानी इसके अतिरिक्त जो भी चाहेगा वो सीनियर वर्ग में खेल सकता है। और सीनियर वर्ग में भी हम लोग खिलाड़ियों को चयनित करेंगे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए गाजियाबाद में 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सिलेक्शन की जो टीम बन रही है उसमें जनपद का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग यहाँ से टीम भेजेंगे।